अरे भाई देखो, अभी बड़ी मोटी अकल की बात है। एक स्त्री खाना बनाती है पति के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए, और एक बैरा खाना बनाता है। महाराज, खाना दोनों बनाते हैं वैसे ही, चावल पकाएंगे, दाल पकाएंगे, रोटी बनाएंगे, सब चीज बनाएंगे, स्वाद भी वही है खाने में। लेकिन जो माँ पकाती है, स्त्री पकाती है, बेटी पकाती है, उसका अटैचमेंट होता है खिलाने वालों के प्रति, और रसोइये का अटैचमेंट नहीं होता। रसोइया जब घर जाता है तो अपनी बीवी से कहता है, आज पता नहीं कौन उनके यहाँ एक गुरु जी आ गए, चार सौ आदमी आ गए, मर गए काम करते करते। रसोइया ये कहता है क्योंकि उसको सुख नहीं मिल रहा, अटैचमेंट नहीं है ना। तो संसार में वर्क करो, अटैचमेंट ना हो, कर्म करने में क्या हो, बढ़िया कर्म होगा। एक नर्स जितना बढ़िया कर्म करती है बच्चों के प्रति, कोई माँ नहीं कर सकती। बच्चा रोया, माँ ने कहा क्या करूं, क्या करूं, बेचारा रो रहा है मेरा बेटा, अटैचमेंट है, दूध पिला दो। वो बदहजमी के कारण रो रहा था, दूध पिला दिया, बेचारा मरेगा तो डॉक्टर क्या करेंगे। लेकिन नर्स कहती है ना, अभी चार घंटा नहीं हुआ, रो बेटा, दूध नहीं मिलेगा। हाँ खिलाएंगे गोदी में, एक तीन पच्चीस करेंगे, सब ठीक है, दूध नहीं पिलाएंगे क्योंकि अभी चार घंटे नहीं हुआ। उसका अटैचमेंट नहीं, ड्यूटी ठीक करेगी। और जहां अटैचमेंट हुआ, ड्यूटी खत्म। जज के सामने दो पार्टी खड़ी है, मुकदमे का फैसला देना है। एक पार्टी हमारे साले के उसका उसका है, ये पता नहीं कौन है, तो फिर जो साले का ये है फैसला करो उसके बाद। अटैचमेंट है, झुक गया एक तरफ, और दोनों पार्टी अगर अलग है, कोई मतलब नहीं है, तो फिर कितनी उसकी अकल होगी, बेचारा न्याय करेगा। फर्क पड़ जाएगा, ड्यूटी नहीं कर सकता कोई अटैचमेंट के कारण। सारी गड़बड़ी इसीलिए हो रही घर घर में, वहां अटैचमेंट है, ड्यूटी कैसे करे। पड़ोसी के बेटे ने हमारे बेटे को मारा, हम लड़ जाते हैं पड़ोसी के बेटे से, ये जानने की चेष्टा नहीं करते कि उस बेटे ने हमारे बेटे को क्यों मारा। हमारे बेटे ने उसके यहाँ चोरी की थी, तो पड़ोसी के बेटे ने देखा, तो उसने माँ से बताया, तो माँ ने डांटा, तो लड़ाई हुई, तो ऐसा हुआ। तो गलती किसकी शुरुआत में थी, हमारे बेटे ने चोरी करना सीखा। अपने बेटे बुझापन लगाओ, डांटो, फटकारो, समझाओ, ये नहीं करेगा क्योंकि उसमें अटैचमेंट है। उस बेटे को डांटो, सुधार नहीं हो कर सकता कोई भी अटैचमेंट के कारण। और वहां भी देख लो, अगर माँ बाप दो है एक संतान के, और माँ का अटैचमेंट अधिक है, और बाप ने कभी डांटा तो माँ कहती है तुमको डांटते रहते हो हमेशा, अरे बच्चा है, क्या हुआ ऐसा कर लिया तो। देखो वहां भी पक्षपात हो रहा है, दोनों के संतान होते हुए भी माँ पक्ष ले रही है और बाप को कह रही तुमको डांटते रहते हो हमेशा। अरे डांटे ना, लड़का खराब जाएगा तो क्या होगा, अरे बच्चा है, खराब क्या जाएगा। अब पतिदेव चले गए तो बीवी ने कहा क्या खाएगा, बुखार है, खांसी आ रही है, अचार खाएंगे, अच्छा खा ले, पापा से बताना नहीं, ये अटैचमेंट है। हमारे यहाँ घर घर माए ही करती है हमारे देश में, ड्यूटी नहीं कर पा रही। ड्यूटी करने में अटैचमेंट बाधक। और जिन लोगों ने ये परिभाषा बना ली, अटैचमेंट करना ही ड्यूटी है, तो हो गया बंटा धाम।